कि पोर्टल ने जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया इस प्रदेश का। हर रोज आज वहां बैठे हैं आपके वो एमपीएचडब्ल्यू, हमारी वो गुड़िया बैठी हैं, वो उसके फायरमैन बैठे हैं, ऑपरेशन थिएटर के असिस्टेंट बैठे हैं, आपके उसी पोर्टल की गड़बड़ी का भुगतान। जो आपकी कट ऑफ लिस्ट थी उससे 20-20% नंबर ज्यादा है, लेकिन उनका नंबर कहीं नहीं है। और रातों रात आपने जो है उनकी वो करवा मेडिकल करवा कर उनकी ज्वाइनिंग दे दी, और वो बच्चे वहां बैठे उनको कोई सुनने वाला नहीं है। 25 years of excellence, 25 years of innovation, 25 years of nurturing the leaders of tomorrow. We are GD Goenka. We are driven by our commitment to bring a global worldview to education. आज बजट चर्चा में मुझे बोलने का धन्यवाद। सरकार ने 1,89,876 करोड़ का बजट पिछले की तुलना में 11.37% एक्सेस दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने उल्लेख नहीं किया कि कर्जा कितना हो गया। आज हर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है। सरकार ने दिखाया है 3,17,982 करोड़, जबकि वास्तविकता में ये कर्ज 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। उसमें आपने कर्ज में स्मॉल सेविंग बोर्ड कॉरपोरेशन के अंदर जो बजट लोन ले रखे वो नहीं दिखा रखे। बेसिकली 4.5 लाख करोड़ का जो है आज कर्जा हरियाणा सरकार पे बढ़ा दिया है। और अगले साल की 2024 में 25 के लिए प्रस्तावित किया है करीबन 67,000 करोड़ का लोन आगे आप और लेने जा रहे हो, यानी उस साल के बाद में ये 5.25 लाख करोड़ ये सौगात आपने इस बजट में दी। इस बजट में आपने कहीं जिक्र नहीं किया किसान को एमएसपी के नाम पर कोई आपने इसमें अलॉट किया हो, ओपीएस के नाम से जो हमारे कर्मचारी मांग रहे हैं उनके लिए कोई वो किया हो, 5,100 रुपए पेंशन देकर जो लूटकर इस प्रदेश के बुजुर्गों को ठगकर जो वो लेके आए थे वोट लेके आए थे उनके लिए उन बुजुर्गों को आज 5 साल बाद मात्र 500 रुपए बढ़ 3,000 पेंशन की है, उन्हीं 5,100 पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आज जिस प्रकार से आज स्कूटी देने की बात की जा रही है, 100 गज का प्लॉट देने की बात की जा रही है, मकान बनाने की भी, मकान बनाना 2022 में हर घर को मकान देने का दावा था सरकार का, आज वो अभी तक भी आप उसको चुनाव के टाइम 9.5 साल में आपने प्लॉट नहीं दिया मकान। आज जो है ना सिर्फ वोट लेने के लिए उनको गरीब को जो है ना उसकी गरीबी के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। क्या है आपका ये महज एक जो है ना छलावा दिखावा और धोखा है प्रदेश के लोगों के साथ। और मैं कहना चाहता हूं आपने बड़े बड़े दावे किए हैं चिरायु के नाम पर, जो आपने आयुष्मान कार्ड दिया है, मैं पूछना चाहता हूं जरा धरातल में जाके देखिए उस आयुष्मान चिरायु आपके कार्ड के नाम पर किसी हॉस्पिटल में गरीब को दाखिला नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उसमें जो आपने रेट तय किए हैं और हॉस्पिटल का जो जिस प्रकार से पहले स्कूलों को उनका वो नहीं मिलता था, उन हॉस्पिटलों को सरकार कोई पैसा नहीं दे रही, वो क्यों भर्ती करेंगे। आज जिस प्रकार के हालात है सिर्फ आप ये वाहवाही और न्यूज छपने के लिए चिरायु आयुष्मान जैसी जो ये योजनाओं का जिक्र करते हैं, ये महज एक धोखा है सब गरीब लोगों के साथ में। और मैं आपके संज्ञान में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आपने 1,745 तालाबों का उद्धार कर दिया, जो 6 महीने पहले जो तालाब तैयार किए थे उसके आज हालात जाके देखिए, क्यों इस प्रदेश का पैसा वेस्ट किया जा रहा है, इसको बंद कीजिए। ये जो तालाब के नाम पर जो ठगा ठगी लूट हो रही है ये बहुत बड़ा एक विश्वासघात है, इस पैसे की बर्बादी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, उसके नाम पर आज जिस प्रकार का माहौल स्वर्गीय नपे सिंह जी की जो हत्या हुई है पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया, आपकी कानून व्यवस्था का धज्जियां उड़ी हुई हैं, जंगल राज जैसा माहौल इस प्रदेश के अंदर हो गया है, ये कहां है आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए। पोर्टल आज भी एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये पोर्टल ने जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया इस प्रदेश का। हर रोज आज वहां बैठे हैं आपके वो एमपीएचडब्ल्यू, हमारी वो गुड़िया बैठी हैं, वो उसके फायरमैन बैठे हैं, ऑपरेशन थिएटर के असिस्टेंट बैठे हैं, आपके उसी पोर्टल की गड़बड़ी का भुगतान। जो आपकी कट ऑफ लिस्ट थी उससे 20-20% नंबर ज्यादा है, लेकिन उनका नंबर कहीं नहीं है। और रातों रात आपने जो है उनकी वो करवा मेडिकल करवा कर उनकी ज्वाइनिंग दे दी, और वो बच्चे वहां बैठे उनको कोई सुनने वाला नहीं है। एच के आर एन आप बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं,
1,11,000 इसको उपलब्धि मानती है सरकार, 1,11,000 बच्चों को आपने ज्वाइन कर रखी है, 18,000 बच्चों को आपने नई ज्वाइनिंग दे दी, 1,29,000 एचकेआर में आप ज्वाइन दे, जो टोटली शोषण है युवाओं का, आप इसकी परमानेंट जॉब क्यों नहीं देते उनको? आप इसका बजट के अंदर उल्लेख कर रहे हैं, आपने इतने रोजगार दे दिए, ये एक छलावा है युवाओं के साथ में। आपके वहां पे बैठे हैं 6-6 महीने से VLD वाले बैठे हैं, रोडवेज वाले बैठे हैं, 5 सेक्टर में धरना लगाए, तो क्या दिया? और रही बात, मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 4 साल से मेरे महमलके की डिमांड कर रहा हूं, अभी तक आपकी मेरा बात तो थी। एक मेरा हॉस्पिटल की मांग थी मेरे वहां पे, उसमें निनाणा से फरमाना रोड, मैं पिछले 3 साल से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे इनको कह रहे उस रोड का बुरा हाल है, भूतपुरपुर से समर गोपालपुर रोड में गांव का टुकड़ा है 500 मीटर का, वहां निकलना मुश्किल हो रखा है, कोई सुनना ही मैंने, बैसी से गुगाहेड़ी का रोड है जिसका इतना जर्जर हालत है, कोई सुनने को तैयार नहीं। कहां कि इस बजट में क्या महम के लिए, ना कॉलेज के लिए, ना लड़कियों कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए, कोई आपने उसके अंदर प्रोविजन नहीं किया। हो गया, ये बजट महज एक चुनावी बजट है, ये छलावा देने वाला बजट है, इस सरकार को इसका जवाब देना है। चुनाव में प्रदेश की कार्रवाई दोपहर